बुलेटिन में स्वागत, मैं हूं आशीष। जयपुर से आ रही बड़ी खबर, सबसे पहले आपको बताएंगे भाजपा मुख्यालय में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, अरुण सिंह, सीपी जोशी, चंद्रशेखर के साथ बैठक है। सभी नेता बैठक में रणनीति बना रहे हैं। परिवर्तन यात्रा को लेकर मंथन हो रहा है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों से लेकर अन्य प्लान तक इन सभी पर बातचीत। तमाम सभाओं से लेकर अन्य कार्यक्रमों की सफलता को लेकर मंथन से जुड़ी ये खबर। विष्णु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विष्णु, किस बाबत ये मंथन, ये बैठक जारी है? बिल्कुल, लगातार बैठक चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक में मौजूद है। हालांकि क्या लगाए जा रहे हैं टिकटों को लेकर, लेकिन अभी टिकटों को लेकर हो नहीं सकता क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और वो मौजूद नहीं है इस बैठक में। सह प्रभारी अभी पहुंची है विजय राठौर, तो ऐसे में टिकटों को लेकर तो नहीं है, लेकिन जो परिवर्तन यात्रा के दौरान जो नेता रहेंगे बाहर के, उनका कहाँ कहाँ सभा होनी है, किसको कहाँ भाषण देना है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ ही उनकी वो किसकी सभा में वो मौजूद रहेंगी या किस क्षेत्र में उनको जाना है, क्योंकि कहा यह गया था ना कि जो जिस सभा में मौजूद रहेगा वो तय करेंगे जिस जहां जिसकी डिमांड होगी। वसुंधरा राजे ऐसी नेता है, मास लीडर नेता है, जिनकी पूरे राजस्थान में डिमांड है, तो ऐसे में वो उनसे भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ सभाओं में वो रहना चाहती है, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा आगामी जो किस तरह से कार्यक्रम होंगे उनको लेकर मंथन किया जा रहा है। और फिलहाल अभी जो बैठक है वो लगातार जारी है और बैठक के बाद ही निकल के आएगा कि आखिर पूरे क्या क्या और मुद्दे इस बैठक में रहे जिन पर चर्चा हुई। लेकिन फिलहाल बड़ा मुद्दा परिवर्तन यात्राओं को लेकर है, क्योंकि पूरा फोकस बीजेपी का इन परिवर्तन यात्राओं को लेकर है और करीब तीन दर्जन से ज्यादा जो नेता है वो यहाँ राजस्थान में सभा करने आने वाले हैं बाहरी, तो उनको लेकर भी लगातार रहना। एक दिन में चार सभाएं हो रही है, तो ऐसे में 72 सभाएं टोटल परिवर्तन यात्राओं के दौरान होगी, तो उसी को लेकर ये मंथन किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु इन तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारियों के लिए इस बैठक से जुड़ी।